राइट लंग है, ऐसे निकाल करके बच्चों को दिखाते हैं कि ये राइट लंग है, ये लेफ्ट लंग है, और ये स्टमक है, ये इंटेस्टाइन है, इस तरीके से ये लार्ज इंटेस्टाइन है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, तो इस तरीके से बच्चे इसमें इस तरीके से रुचि लेते हैं। जी जी जी, उनको अधिगम भी होता है, याद भी हो जाता है। और मैं कहूँगा एक बार वो दिखाएं आप मिसाइल, इधर बेटा बताओ, ये थोड़ा सा आप इसको ऐसे कीजिए जो आप भी दिखें। यस सर। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम है अमन कुमार। अमन, अमन बेटा किस क्लास में हो? सर क्लास 8 में हूँ। 8वीं में हो? यस सर, मेरे स्कूल का नाम है कंपोज विद्यासर। जी, तो ये आपने बनाया क्या? यस सर। तो आपको किसने बताया कि ये बनाना है? ये सर जी, हमने सर जी यूट्यूब से और सर जी से बनाया। सर जी ने बताया? कौन से सर जी ने बताया? मिस्टर बलजीत सिंह का सर जी। तो वो आपको बताया कि आप ये बनाइए, तो आपने इसको बना के तैयार कर दिया। ये कैसे आपके दिमाग में आया कि चलिए बनाते हैं मिसाइल? ये सर जी जो चंद्रयान में गिरी गया है, उसे इस प्रकार से हम लोग देख कर सर जी बनाते हैं। और ये सर जी हम लोग इसरो इसरो का प्रधान है सर जी, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। बेटा इसमें आओ, आप आओ इसमें, आपको लोग देखें, आप 8वीं क्लास के बच्चे हो, इतना अगर इंटरेस्ट रख रहे हो तो आपको लोग बात देखें और वो बच्चे देखें जो इधर उधर घूमते हैं, पढ़ाई नहीं करते हैं। यस सर जी, इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और ये सर जी इसरो का सर जी गठन सन 1969 को हुआ था, और इसरो का सर जी मुख्यालय सर जी बेंगलोर। और सर जी रॉकेट, ये सर जी गति करता है, सर जी गति के बारे में न्यूटन ने बताया था, ये सर जी क्रिया प्रतिक्रिया के बारे में है सर जी, जितना ही ये दाब सर जी नीचे को डालेगा, यह सर जी इसमें सर जी ये सर जी दाब सर जी पंप से पानी से डाला गया है, और ये जितना ही सर जी नीचे को दाब डालेगा वह उतना ही चीज मतलब ये सर जी मिसाइल ऊपर को इसको अभी दिखाया जाएगा सर आप सभी को, ये सर जी लॉन्च करके भी दिखाया जाएगा, इसको लॉन्च करने वाले हैं। ये उड़ेगा सर, ये उड़ेगा। हमारा बीरबल सानी विज्ञान क्लब सोनपरसा भी है जी, जी, जो भारत संचार भारत सरकार की एक संस्था है, उसमें बिपिनट जिसे कहते हैं बिपिनट, उसमें मतलब पंजीकृत है, वहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है सर हमारा। अभी इसको लॉन्च करेंगे सर, अभी देखिए ना सिंह साहब, मैं चाहूंगा बेटा एक मिनट, मैं चाहूंगा सर कि ये लॉन्च कब करेंगे ये भाई दिखाओ ये, मैं अभी कुछ देर में लॉन्च करूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि हमारी जो डीएम हो रहे हैं पहले वो भी देख लें तो बेहतर होगा, तब लॉन्च किया जाए। जी, तो मतलब यहाँ पे डीएम महोदय का इंतजार चल रहा है लॉन्चिंग का। जी, ये रिमोट से चलेगा सर। जी, ये रिमोट से चलेगा और ये वायु के थ्रू इसके अंदर हवा भरी गई है, पंप से बहुत टाइट हवा भरी गई है, इसके अंदर 2 लीटर का बोतल है। जी जी, 2 लीटर का बोतल है, इसमें पानी भी है, और जितनी जब इसका ढक्कन खोला जाएगा तो हवा बहुत तेजी के साथ नीचे निकलेगी, उतनी ही तेजी के साथ ये ऊपर को उड़ेगा। ये लॉन्चिंग स्कूल पर हम लोगों ने करके टेस्ट कर लिया है, और यहाँ के बाद आप यहाँ पे आए जिससे कि ऐसा ना हो। और ये भी ये आप देख पा रहे हैं, इसमें कार्बाइड डालते हैं, इसमें ये देखिए ये बोतल इसके अंदर भी है, इसके अंदर कार्बाइड डालते हैं, उसमें पानी डालते हैं, थोड़ा सा गैस बनता है, ऐसे हिला देते हैं गैस बनता है, फिर इसको इसमें डाल देते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये जो लाइटर है, इसको जब हम ऐसे ऐसे करते हैं तो स्पार्किंग ये देख रहा होगा, ये स्पार्किंग हो रहा है, स्पार्किंग से ये फिर उड़ जाता है। अगर मैं अभी इसको दबा दूं तो अभी उड़ जाएगा अभी तुरंत, लेकिन आपसे मैं निवेदन करता हूं कि आप थोड़ा समय दीजिए। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल आपको समय देंगे। थैंक यू सर। चलिए भाई, जैसा कि आप लोग देख रहे थे अभी, कम से कम आज बहुत ही सुकून के साथ कह सकता हूं मैं, कम से कम 200 विद्यालय का हमने निरीक्षण किया है, कभी भी ऐसे ना विद्यार्थी ना ऐसे टीचर मिले, मैं ये कह सकता हूँ। शिक्षा व्यवस्था पे जो ये क्वेश्चन मार्क हमेशा लगता रहता था, और लोग बाग ये सोचते रहे होंगे कि मीडिया वाले सिर्फ गलतियां दिखाते हैं, मैं उन टीचरों को बताना चाहता हूँ, मैं उन विद्यालय के लोगों को बताना चाहता हूँ कि हमारे ये सिंह साहब जो है मनकापुर का, जो ये विद्यालय है आपका, यहाँ आके विजिट कीजिए, नहीं तो इनसे कुछ सीखिए। अगर सरकारी विद्यालय में ऐसे शिक्षक रहेंगे और ऐसे बच्चे रहेंगे तो शायद सरकारी विद्यालयों का कायाकल्प होना निश्चित है, लेकिन अगर वो इनके राहों पर चलेंगे तब, नहीं तो जैसे आज तक देखते आए हैं वैसा ही आपको देखने को मिलेगा। नहीं तो सिंह साहब से जरूर एक बार संपर्क कीजिए कि क्यों ऐसा सब कर पा रहे हैं वो,
उत्साह उनका कैसे आ रहा है, वही सैलरी आपको भी मिल रही होगी, वही इनको भी मिल रही होगी, लेकिन आपका कहीं ना कहीं मानसिक जो संतुलन है वो गलत है। ये बीरबल सानी विज्ञान क्लब संभट्टा के बच्चे हैं, आप सर हैं राहुल सर, शिक्षक हमारे स्कूल संबोधित विद्यालय संभट्टा ग्राम मंसूर गोंडा जी। ये बच्चे मिसाइल उड़ाने जा रहे हैं, सबसे पहले ये इसमें पानी डालेंगे, पानी डालिए बेटा, थोड़ा सा पानी डालते हैं और ये देखिए नजदीक करो, ये दिखाइए कार्बाइड है, इसको कार्बाइड इसमें डालेंगे, थोड़ा हिलाएंगे, अरे डालिए बेटा, और हिलाएंगे थोड़ा गैस बनेगा, इसको निकाल देंगे और फिर जादू देखो बेटा, हाँ सीधा करो, और ये लाइटर है, लाइटर से चिंगारी निकलेगी, पकड़ो इसको, मैं ही पकड़, चलो बंद करो, पानी डालेंगे, पानी डालिए थोड़ा सा और ये तमाम सारे दर्शक क्योंकि उत्सुक है देखने के लिए कि ये मिसाइल उड़ती कैसे है, वो दिखाने का प्रयास बच्चे कर रहे हैं। ये कार्बाइड डाल करके गैस और इसमें बोतल डाला जाएगा जो कि इसके अंदर पेट है, गैस बनाएगी और फिर ये नीचे निकल गया और फिर इस पर स्पार्किंग होगा, ये रॉकेट लॉन्चर अभी आपके सामने धन्यवाद आपको। आइए 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 आइए, देखिए अभी ये मिसाइल लॉन्च होने वाला है, तुरंत मिसाइल लॉन्च होने वाला है, आपके सामने ये मिसाइलें दिखाए गए, ये मिसाइल है और ये मिसाइल अभी लॉन्च होगा, ये न्यूटन के अनुसार जिस तरह से हवा और पानी तेजी से पीछे को निकलेगा उसी प्रकार से मिसाइल है वो आगे को बढ़ेगा। जा करके दिखाओ बेटा, आगे बढ़ो थोड़ा सा, दिखा आप लोग देख रहे थे रिपब्लिक न्यूज़ टीवी, मैं अमर बड़ी मिश्रा।